हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भक्तियारपुर रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि लोकेटेड है बिहार में। अगर आप इस रेलवे स्टेशन से लोकल हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस रेलवे स्टेशन पर क्या क्या सुविधा अवेलेबल है, रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी ट्रेनें रुकती है, रेलवे स्टेशन कौन से रेलवे जोन में आता है, कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है, रेलवे स्टेशन टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है कि नहीं, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BKB। टोटल नंबर ऑफ 5 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है रेलवे स्टेशन दानापुर डिवीजन के अंतर्गत। टोटल नंबर ऑफ 5 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पे। 150 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती है, 3 यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट होती है। रेलवे स्टेशन पे बेसिक सुविधा अवेलेबल है, जैसे कि टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, फुट ओवरब्रिज, चार्जिंग पॉइंट है, टॉयलेट फैसिलिटी है, 5 प्लेटफॉर्म है, 5 प्लेटफॉर्म में फूड स्टॉल एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। फूड स्टॉल में खाने पीने के लिए आपको लेस, कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और चाय अवेलेबल है। वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है और भी बहुत सारा सुविधा अवेलेबल है यात्री लोग के लिए इस रेलवे स्टेशन पे। जैसा कि मैंने आपको बोला, 150 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। चलिए आपको कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम बताता हूँ जो कि इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। अगर आपको भी कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम पता है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। पटना इंटरसिटी, धनबाद इंटरसिटी, दानापुर इंटरसिटी, सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, मुंबई LTT एक्सप्रेस, हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल इंटरसिटी एक्सप्रेस एंड अदर एक्सप्रेस ट्रेन, लोकल पैसेंजर ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। अगर आपने भी कोई एक्सप्रेस या लोकल ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से पकड़ा है तो कमेंट करके बताइएगा सर। रोजाना 5000 से भी ज़्यादा यात्री इस रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करते हैं। इंडियन रेलवे को इस रेलवे स्टेशन से अच्छा खासा मुनाफा होता है और रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का ध्यान भी अच्छे से रखा गया है। अगर आप इस रेलवे स्टेशन पर कार या बाइक से आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन के बाहर में पे पार्किंग एरिया अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी इस रेलवे स्टेशन पर रात को आ रही है या दिन को, तो रेलवे स्टेशन के बाहर में 24/7 ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑटो फैसिलिटी अवेलेबल है एंड आप कैब भी बुक कर सकते हो। अगर आप इस रेलवे स्टेशन पर पहली बार आ रहे हो और रेलवे स्टेशन के बाहर में आपको रहने के लिए कोई रूम चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहने के लिए आपको बेहतरीन रूम मिल जाएगा, वो भी आपके अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। बहुत सारे यात्री का कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि रात के वक्त में इस रेलवे स्टेशन पर स्टे कर सकता हूँ कि नहीं, तो रात के वक्त आप इस रेलवे स्टेशन पर स्टे कर सकते हो। रात के वक्त भी इस रेलवे स्टेशन से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, पर अपना सामान का देख रेख कीजिएगा वरना आपका सामान चोरी भी हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।